भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर हम नजर डालें तो आपको देखने मिलेगा कि ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा का कब्जा तो मारुति सुजुकी मात्र एकमात्र ही कंपनी का है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में ये पूरी तरह से उल्टा है। यहाँ पर भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स का बहुत ही ज्यादा दबदबा है, ऑलमोस्ट 90%। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी कि टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कर्व को लॉन्च करने जा रहा है और इसकी तो रेंज 500 किलोमीटर्स की है। ये खबर आने के बाद अब तो फिर से टाटा मोटर्स एक बड़ी खुशखबरी लाने जा रहा है। दरअसल ये लोग एक और नई इलेक्ट्रिक व्हीकल 2025 तक लाना चाहते हैं। इसे भी अनवील कर दिया गया है। इसका नाम रखा गया है टाटा अविन्या। अब इसका नाम ऐसा इसलिए रखा गया है बिकॉज संस्कृत का ये वर्ड है। अगर इसका मीनिंग देखे तो इसका मतलब होता है इनोवेशन, क्योंकि ये कार अपने आप में ही इनोवेशन का एक बेहतरीन नमूना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इसमें बटरफ्लाई डोर्स जैसे काफी सारे तमाम फीचर्स तो है ही, साथ में 500 किलोमीटर की इसकी जो रेंज है मात्र 30 मिनट्स में पूरी चार्ज हो जाती है। तो आप सोच सकते हो कि टेस्ला को भी ये टक्कर दे देती है। इस कार की पूरी डिजाइनिंग इन लोगों ने अपने थर्ड डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पे की है, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल डिजाइन देने के लिए मशहूर है। नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी के साथ साथ यहाँ पर बेहद ही एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट जैसे सिस्टम, देन एनहेंस परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, ऐसे तमाम सारे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में डाली गई हैं। अब भारत के लिए ये इतनी सॉलिड डिजाइन की गई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इस कार को तो नेक्स्ट लेवल का वाटरप्रूफिंग और डस्ट प्रूफिंग सेफ्टी, इतना सारा हाई स्ट्रक्चरल इसमें बैलेंस किया गया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी टेरेन के लिए ये बेस्ट सूटेड कार होगी 500 किलोमीटर्स के साथ। वैसे आपको बता दें कि टाटा मोटर्स का भी यहाँ पर टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 तक वो लोग 80,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारतीय बाजार में उतार दे। वो लोग 80,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारतीय बाजार में लॉन्च कर दे। वैसे ऑलरेडी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तो इन लोग ने 19,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेल करके एक नया रिकॉर्ड ही स्थापित कर दिया। 90% अब इनका कब्जा पेनिट्रेशन हो चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में। 2025 या 26 तक ये लोग 10 न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे और इस तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाने के लिए ये लोग ऑलरेडी $2 बिलियन निवेश करने वाले हैं इन वेरियस मॉड्यूलर ईवी आर्किटेक्चरल प्लेटफॉर्म। सो टाटा की इस इनोवेटिव कार के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर से कमेंट कीजिएगा।